हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक ये है कि हाउ मेनी ब्रिक्स इन वन क्यूबिक मीटर, मतलब कि एक क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें होती हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही निकालते हैं कि एक क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें होती हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने पहले से ही ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो लिख लिया है। और ब्रिक की जो साइज होती है विद मोर्टार वो ये होती है, साइज ऑफ ब्रिक विद मोर्टार ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, साइज ऑफ ब्रिक विद मोर्टार जो होता है वो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें एक एक सेंटीमीटर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब हम ईंट से कोई दीवार चिनाई करते हैं या फिर या कोई दीवार खड़ी करते हैं तो उसमें जो मसाले का जोड़ होता है या मसाले की जो मोटाई होती है वो एक सेंटीमीटर लेके चलते हैं, इसलिए एक एक सेंटीमीटर इसमें हमारा डायमेंशन बढ़ जाता है। तो अब हमको ज्ञात करना है कि एक क्यूबिक मीटर में कितने ईंटें होती हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें यह करना होगा, इसलिए नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वन क्यूबिक मीटर। तो इसके लिए आपको जो वॉल्यूम है हमारा वन क्यूबिक मीटर कहिए या फिर वन मीटर क्यूब कहिए, उसको साइज ऑफ ब्रिक विद मोर्टार के वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार। तो वन मीटर क्यूब को हम लोग वन मीटर इंटू वन मीटर लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार जो है हमारा ये है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप इसको लिख दीजिए 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो आप सभी जानते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहां पे हम एक मीटर को 100 सेंटीमीटर में लिख लेंगे। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर और नीचे वैसे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सभी सेंटीमीटर कट जाएंगे तो हमारा अब बचेगा 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 10 इंटू 10। अब सभी जीरो से सभी जीरो काट देगी। अब हमारा जो बचा वो 1000 अपॉन 2 बचा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो जब हम 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 500। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 क्यूबिक मीटर में हमारी 500 ईंटें आती हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वन क्यूबिक मीटर, हमारी जो ईंटें आई हैं वो 500 ईंटें आई हैं, 500 ब्रिक्स। ये आपका पूरी तरह से निकल गया, मतलब कि एक क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें आती हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए या हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जहां पर ईंटों की संख्या में निकालनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आया था और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिविल की बात एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।